ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी। जब भी हम घर पे खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत अलग तरह से बनती है, और वही खिचड़ी जब रेस्टोरेंट में हम खाते हैं या कोई भी ढाबे पे खाते हैं तो उसका टेस्ट हमेशा अलग होता है। एंड देन वी फील के ऐसी खिचड़ी घर पे क्यों नहीं बनती है, बट उसमें दाल और चावल को अलग से पकाया जाता है। तो हियर आई एम विथ एन अमेजिंग वर्जन ऑफ ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी। एक कुकर में सबसे पहले घी लेना है, उसमें बहुत सारा जीरा डालेंगे और सोखी हुई तूर दाल यानी कि अरहर की दाल डालेंगे और पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ वी विल ऐड सॉल्ट, हल्दी पाउडर और बहुत सारी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, अदरक। मेक श्योर कि इसका जो कटिंग चॉपिंग है जूलियंस में वो बहुत मैटर करता है। अभी इसे 3 से 4 विसल तक कुक होने देंगे। अब देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, और इतनी भी ज़्यादा बॉईल नहीं होनी चाहिए कि उसके जो दाल के जो कर्नल्स है वो दिखे नहीं। तो बस अभी फाइनल तड़का करना है। ऑलरेडी मेरे पास स्टीम्ड राइस रेडी है, आप चाहो तो अलग से राइस को भी कुक कर लेना है। अभी एक हांडी में ऑयल लेंगे, उसमें ड्राई रेड चिलीज डालेंगे, लॉट्स ऑफ चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक, और इसको अच्छे से भूनना है। अभी इसमें बहुत सारी स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइस की हुई प्याज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट फॉर दाल खिचड़ी। अभी इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, हल्दी डाल के अच्छे से भूनना है। नाउ वी विल ऐड, अभी बॉईल की हुई जो अरहर की दाल थी वो डालेंगे। दाल थोड़ी सी कुक होने आए उसके बाद स्टीम किए हुए राइस यानी कि बॉइल्ड राइस डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सच में ये खिचड़ी जब पक रही होती है तभी इतनी टेम्पटिंग लगती है, और आपको वही जो रेस्टोरेंट और ढाबे वाली जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू आपको ये स्टेज पे ही आने लगेगी। एंड देन यू विल फील कि यस, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन खिचड़ी जो हम घर पे बनाते हैं जिसमें दाल और चावल को एक साथ पकाते हैं, और इसमें अलग अलग पका के जो डालते हैं। और अभी लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, कसूरी मेथी, लेमन जूस और बहुत सारा बारीक कटा हुआ धनिया। तो बस दाल खिचड़ी को 5 मिनट ढक के उसको पकने देंगे, एंड देन दैट अमेजिंग अरोमा, ओ माई गॉड, आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट। तो बस जल्दी दाल खिचड़ी को सर्व कर लेते हैं, एंड यू कैन एंजॉय दिस अमेजिंग दाल खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ फ्राइड ऑनियन ओवर इट। फ्राइड ऑनियन जो है वो दाल खिचड़ी पे टॉपिंग करने से उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग हो जाता है। तो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना नहीं, और उसके ऊपर अच्छा सा बटर और घी ऑफ योर चॉइस। तो बस फाइनली माई ढाबा स्टाइल डिलिशियस दाल खिचड़ी इज रेडी। एंड यस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। एंजॉय योर डिलिशियस ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी।